वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर यूट्यूब चैनल लर्न इम्परफेक्ट। मैं सुमन सिंगला आज आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम पार्ट 6 लेकर आई हूँ। इससे पहले की सभी वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा है, वहां से देखकर आप सभी का अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आज आपके लिए फाइनल कोड्स और इंटरमीडिएट कोड्स के बीच के डिफरेंस को क्लियर करेंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप देखकर नॉलेज ले सके। तो अब हम शुरू करते हैं। फाइनल गोल्स वर्सेस इंटरमीडिएट गोल्स। फाइनल गोल्स आर दोज गोल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड, विच आर प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री, इन ए इंडस्ट्री, और दे आर लाई आउटसाइड द बाउंड्री। इफ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड दे आर एबल टू सेल इन द मार्केट, सो वी कैन क्रॉस अवर बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, दैट दीज गुड्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। इसलिए फाइनल गुड्स अंतिम वस्तुएं, वे वस्तुएं जो कि हमारी उत्पादन की सीमा से बाहर, इनकी फैक्ट्री में से बाहर चली जाती हैं, बेचने के लिए तैयार हो जाएंगी, उनको हम फाइनल गुड्स कहेंगे। और इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती वस्तुएं, डेट गुड्स विद विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, जो हमारी प्रोडक्शन लाइन की बाउंड्री के अंदर ही रहती हैं, दे आर कॉल्ड सेमी फिनिश्ड गुड्स और दे आर नॉट एबल टू सेल इन द मार्केट। सेकेंड, फाइनल गुड्स आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल, दे आर कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स। एंड इंटरमीडिएट गुड्स दे आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, और वी कैन लाइक फॉर, जैसे कि हम अगर हमने वुड यूज करनी है, वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग चेयर, और इसी प्रकार अगर हमने शुगर यूज करनी है, दे आर यूज्ड फॉर बिस्किट, मिल्क इज यूज्ड फॉर टी, तो इट दैट गुड्स आर कॉल्ड आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। नंबर थ्री है नॉट रीसेल्ड, यानी कि फाइनल गुड्स आर नॉट रीसेल्ड बाय मेकिंग प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर। हमें इनको द्वारा प्रॉफिट यूज करने के लिए द्वारा रीसोल्ड नहीं कर सकते, और इंटरमीडिएट गुड्स को हम रीसोल्ड कर रीसेल कर सकते हैं फॉर मेकिंग मोर प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जो कि हमने 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक होता है, उसे हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। और इसी प्रकार फाइनल गुड्स में वैल्यूज आर नॉट एडेड, इसमें हम और वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, दे आर फिनिश्ड गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स में हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने राम किले की तरह ये यूज करते हैं, जैसे कि हम लकड़ लेके आए, वुड लेके आए, उसको हम वुड हमारी अगर 1000 रुपए की आई तो उस वुड के ऊपर हमने प्रोसेस किया, हमने 4 फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन लगाए, उसके हमने चेयर का, टेबल का, बेड का, कोई भी हमने फर्नीचर बनाने में यूज कर लिया, तो उसकी इंटरमीडिएट गुड्स की हम वैल्यू को ऐड करके द्वारा रीसेल कर सकते हैं। फोर्थ, डिपेंड अपॉन एंड यूज, कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में वैसे डिफरेंस करना बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है, कि तो ये डिपेंड करता है हमारे एंड यूज के ऊपर, कि अंत में हम अपनी गुड्स को किस तरह यूज कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपर, अगर हमने कागज अगर यूज किया है स्टूडेंट ने, तो वो इज कॉल्ड फाइनल गुड। और अगर हमने पेपर को यूज किसी पब्लिशर ने किया है, उसने बुक बनाने के लिए, कॉपी बनाने के लिए, न्यूज़पेपर बनाने के लिए यूज किया है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। लाइक शुगर इज ऑल्सो यूज बाय कंज्यूमर्स, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। और इफ शुगर इज यूज फॉर मेकिंग बिस्किट, तो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। लाइक मिल्क एंड टीवी, अगर टीवी को हमने परचेज किया है, किसी ने बेच दिया है, फाइनल गुड्स बना के फैक्ट्री में से निकल के गया है और जहां पे बनना है, तो वो दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड। और टीवी को जब हम तो कोई दुकानदार आगे कंज्यूमर्स को बेच देता है, तो उसको रीसेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे ही मिल्क की कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि हम द्वारा वैल्यू एड करके या हम रीसेल कर
करने के लिए प्रॉफिट को मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग के लिए बेचते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हम उसको सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। और एक बार जो यूज सेल किया जाता है दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स, रेडी फॉर यूज बाय फाइनल यूजर्स। कि फाइनल गुड्स आर यूज बाय फाइनल यूजर्स यानी कंज्यूमर्स, दे यूज कंज्यूमर्स यूज दीज गुड्स फॉर for the satisfaction, more satisfaction, and they wants to use goods for fulfill their wants. And intermediate goods jo hain wo they are not used by the consumers or producers for their use, they are used by the producers to make more profit. नेक्स्ट एंड लास्ट है नेशनल इनकम। कि फाइनल गुड्स आर यूज्ड इन नेशनल गुड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए फाइनल गुड्स यूज की जाती हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इस तरह फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम के कंसेप्ट में क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो ये वीडियो मेरी यहीं तक, आगे के बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम के बाकी कंसेप्ट्स की वीडियो में आपके लिए ऐसे ही लेके आती रहूंगी। और आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।